कर लिए। तो दोस्तों देखिए मतलब डाल लिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे ना दोस्तों कि ये रबड़ लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा खा लेना ना, बन खराब बन रहा है तो क्या खराब ही ना हो, जलेबी तो ऐसा गुड मीठा खाने से मतलब है ना तुमको, ती वलती सब कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बस। कैसा थोड़ा सा अच्छा कैसे नहीं लग रहा वो बताओ। वो अच्छा थोड़ा सा नहीं लग रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा जो जवानी अंकल आंटी ये गाने में डांस करते हैं। पीछे हो जाओ थोड़ा सा और, नहीं दिख रहा है, और पीछे जाओ। हाँ और जोर से गाना, मेरे दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे ऐसे में है तू कहाँ, मेरे दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। और अंकल आंटी कैसा लगा आप कमेंट, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। और अंकल आंटी आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा। और मम्मा जलेबी फर्स्ट टाइम बना रही है तो कहीं जलेबी को दूसरा ना बना दे आधा टेढ़ा, कुछ और ना बना दे। हाँ दोस्तों तो आज आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि हम कभी नहीं बनाया तो फर्स्ट टाइम ही रहेगा। हम कुछ बोलेंगे बोलो। और अंकल आंटी पता हम सुबह से जिद कर रहे थे ना, तो मम्मा बोली कि रुको तुमको जलेबी खाना है ना, तो रुको बूंदिया छान देंगे घर में, ऐसे बोली। तो जब नानी को फोन लगाया ना थोड़ा देर में, तो नानी बताई कि कैसे जलेबी बनाते हैं, तो बनाना सोची। पहले तो बूंदिया बोल रहे थे, अभी नानी लगा बूंदिया बनाना आसान है, गोल गोल वहाँ झंझरा से कर देंगे और फिर उसको बना देंगे, तो अब जलेबी ही देखते हैं। मेरा बेटा है ना एक नंबर का घोचू, कह सकते हैं इतना मुश्किल से गेहूं धोए हुए आप लोग देखे थे, और ये नया लड़का इसी में टारगेट करके रहता है। मम्मा इसको घोचू नहीं रंग बदलू गिरगिट बोल सकते हैं, गिरगिट ही है। और फेकू, फेकू नहीं है, फेकू भी है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, अंकल आंटी आप लोगों को पता है हम लोग कहाँ आ चुके हैं, गरीब के रसोई में। जी हाँ तो हम लोग आ चुके हैं हमारे रसोई में, यानी कि गरीब की रसोई में। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हम लोग जलेबी बनाने वाले हैं, तो जलेबी के लिए हम जितना मेरे घर में है कम से कम हम तो कभी नहीं बनाए हैं और आइडिया भी नहीं है, तो सब उनके डिमांड पे स्पेशली बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बोल चुके अंकल आंटी सुन लिए। तो चलिए दोस्तों जलेबी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले लिए कैंची, प्लास्टिक और इधर एक रबर, और ये बेसन, हमारा बेसन इतना ही है, और ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। और पता नहीं बनेगा कि नहीं जलेबी, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो हम इधर पानी चढ़ा लिए चाशनी के लिए, और इधर गैस भी ऑन कर लिए दोस्तों। अभी चलिए इसको फेंट लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। दोस्तों यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, चलिए हमको लगता है ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहिए। इधर मैं डाल रही हूँ पानी, शायद गाढ़ा ही रहना चाहिए इसका, तो इसको कम कम डालूंगी। तो दोस्तों देखिए मतलब शायद हो चुका है इसका तैयार, मेरे को लगता है इतना ही गाढ़ा चाहिए ताकि आराम से इसका जलेबी बन सके। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हाँ। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि मेरा प्लास्टिक ही थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, अब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पता नहीं क्या होना है। आप लोग प्रे करिए मन मन में कि मेरा जलेबी बन जाए, और नहीं तो सारा बर्बादी होना है। चलिए भर लिए। तो देखिए मतलब डाल लिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे ना दोस्तों कि ये रबर लगा देंगे, ठीक है। वैसे रबर लगा भी सकते नहीं क्योंकि टाइट तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो पतला रबर से कैसे टाइट होगा माँ?
जाएगा बेटा। चलो पाउच कर दो करिए। तो दोस्तों मेरा जलेबी बनना शुरू हो गया दोस्तों। वाह सागर कितना छोटे छोटे बना रहे। तो क्या कर रहा? ओ मैया दिख रहा है तुमको? हाँ। आओ दोस्तों मेरी जलेबियां तैयार हो रही है। ओहो यहाँ दिखा, दिख रहा है। वाह अरे फर्स्ट टाइम जलेबी बना रहे हैं, इतना आसान चीज है। थोड़ा सा मोटा हो गया दोस्तों इसका, इसीलिए मोटा निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम तैयारी करेंगे अच्छे से। एक किसू, ये कितना बढ़िया मेरा जलेबी तैयार हो गया है। आया लगा आप लोग प्लीज हंसिएगा मत, है ना, क्योंकि कोशिश करना ही चाहिए इंसान को। चलिए कुछ नहीं, जलेबी नहीं लग रहा तो क्या हुआ, मठरी तो लग रहा है ना। अरे सगुन बतख बन गया है। हुआ दूसरा वाला बतख है। हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है जलेबी। हाँ इधर हम इसको ऑन कर लिए, अब इसमें चीनी डाल देंगे दोस्तों और इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। लगेगा तुम ना दोस्तों, मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड्स, इतना दिक्कत होता है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बहुत टफ काम है, मगर क्या करिएगा, बच्चे को मैं बाहर से ला करके दे नहीं सकती हूँ ये चीज़ें, तो बनाना पड़ रहा है। उधर बाबू मेरा कुकर का हालत ख़राब कर रहा है, हम आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से। आप लोग देखिए कैसे ये क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? मेरा कुकर टूट जाएगा ना, तो रख दो ना बाबू, प्लीज रख दो, रख दो। थैंक यू बाय। नो 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 बेटा, नो नो किशु, नो 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 बेटा, नो 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 बिट्टू छोड़ दीजिए ना किशु, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, नो नो बेटा, नो नो, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, वहीं पे रख दो ना, जा जा जा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया है, ज़्यादा शायद क्रिस्पी नहीं करना चाहिए, तो मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। बत्तख छोड़ दो। क्यों कर रहा है? उधर बैठो, क्या क्या बोल रही थी कि खुशबू? सगुन कह रही है कि मेरे हिस्से का जलेबी कोई आज खा जाएगा, इसलिए खुशबू बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस बार तो और खराब बन रहा है सगुन, क्योंकि ये थोड़ा सा खा लेना ना, खराब बन रहा है तो क्या खराब ही ना हो, जलेबी तो है सगुन, मीठा खाने से मतलब है ना तुमको। देखिए दोस्तों क्या मस्ती मेरा जलेबी बन के तैयार हो गया, ऐसा आपको किसी होटल में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे रसोई में मिलेगा। क्या सगुन? ऑक्टोपस वाला जलेबी। आइए दोस्तों आप लोग मेरे हाथ का खाइए बस। हाथ का अच्छा भी लगेगा क्या? अरे बाप रे तू मेरा बेइज्जती कर रही है ऑन कैमरा। नहीं। कैसी बेटी है तू? तो ये पहुंच चुका है अपना चौड़ा नाक लेकर के। उसके नाक तो गोल गोल है, मतलब चौड़ा है तभी तो उसके नाक में ज्यादा सेंट जाता है। और देखिए ये क्या पगला रहा है, इसको खाना है जलेबी। जलेबी खाने वाला कुत्ता है बताओ तो? अंदर खाता है कुत्ता। एक कुत्ता है? हाँ। तेरा भाई है? हाँ। तो कुत्ता लोग की बहन नहीं होते? कुत्ता लोग की बहन नहीं होते बेटा। अम्मा सुनिए ना, हमको ना जब हम रोज रोज नहीं ना देखते कि जलेबी कैसे बनाते हैं, तो ना हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, लग रहा है ना कि चीनी को डालना है जलेबी में कि जलेबी को चीनी में डुबाना है। हाँ। अब तुम देखते जाओ। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका चीनी का जो है ना वो तैयार हो चुका है, तो इसमें चेक किया जाता है बैठता है या नहीं। तो अभी शायद उतना नहीं हुआ है क्योंकि नहीं बैठ रहा है, थोड़ी सी और, तब तक मेरा
ये दूसरा तीसरा ट्रे देखिए क्या मस्त लग रहा है दोस्तों, तो बोलेगी बाप रे कैसा गंदा लग रहा है, ऐसा बोलेगी क्या। दोस्तों हो गया है मेरे ख्याल से, तो अब मैं डाल देती हूँ ताकि इसका उसमें डूबता जाए, तो इसे बंद कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। और जलेबी चलिए फर्स्ट टाइम कोशिश किए हैं दोस्तों, तो जलेबी मेरा बन गया है और शगुन खा रही है। कैसा बाबू, अच्छा नहीं भी होगा तो बेटा बोलना अच्छा ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर कोशिश करेंगे और अच्छा ही सभी बढ़िया जलेबी बनाएंगे, है ना। हम लोग इस बार सीख लिए कि कैसे क्या करना है ना, समझ गए गलती वलती सब कुछ। मम्मा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बस। कैसा थोड़ा सा अच्छा कैसे नहीं लग रहा है वो बताओ। अच्छा थोड़ा सा नहीं लग रहा, जैसे मैं थोड़ा सा जो चबा रहे ना और खा रहे ना वैसे थोड़ा भी तीखा लग रहा है। तीखा लग रहा होगा ना, थोड़ा सा उसमें पकौड़ी छाने थे ना उस तेल में, तो उसका मिर्ची वाला उसमें रह गया था समझी, इसीलिए। तो दूसरा तेल से बनाते लाए हैं ना, उसका तेल सरसों तेल है। अब क्यों तो खाने में डालने वाला तो नहीं मंगाए थे। चलो खा।